गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं सोयाबीन के भरवा पराठा, जो सुबह मॉर्निंग के लंच में बहुत ही कम समय में बनाए जा सकते हैं। तो देख किस बात की, चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिए मैंने 2 पैकेट सोयाबीन, जिनको मैंने गरम पानी में फूलने के लिए रख दिया है। गरम पानी से ये बहुत ही जल्दी फूल जाती हैं। तो चलिए हम इन्हें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी सोयाबीन है वो फूल कर तैयार हो गई हैं। तो चलिए इन्हें हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं, नचोड़ नचोड़ के इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारी सोयाबीन का पानी निकाल दिया है। तो चलिए इसे हम मिक्सर ग्राइंडर से हल्का दरदरा सा पीस लेते हैं। तो आप इन्हें क्या बुलाते हो, सोया बड़ी के सोयाबीन या सोया चंक, तो कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ पर हमारी सोयाबीन जो है वो पिसकर रेडी हो गई। आप देख सकते हो हमारी सोयाबीन इस तरह की होनी चाहिए, दरदरी सी। फ्रेंड्स, हम सोयाबीन का भरता बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल, जो गर्म हो चुका है। उसमें हमें डालना है 1/2 चम्मच जीरा, जब तक जीरा हमारा चटक जाए। उसके बाद हमें डालना है 2 बारीक कटे हुए प्याज, तो इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, हल्का सुनहरा होने तक। तो यहाँ पर प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो चलिए बीच में हमें ऐड करना है इसमें 7 से 8 कली लहसुन की, तो ये भी साथ में हमारी भून जाएंगी। और अब हमें इसमें डालना है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने ओनली 1 हरी मिर्च ली हुई, क्योंकि हमारा बेटा हरी मिर्च पसंद नहीं करता है। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो इसमें आप हरी मिर्च ज्यादा ऐड कर सकते हो, और अदरक को भी कद्दूकस करके डाल सकते हो, जैसा आपको फ्लेवर पसंद हो। हमें प्याज को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा जो प्याज है वो हल्का सुनहरा हो चुका है। तो अब हम डालने वाले सोयाबीन, जिसको मैंने क्रश करके रख लिया था। तो इसे हमें गैस को स्लो करके 5 से 6 मिनट के लिए इसे भी भून लेना है, ताकि इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे। तो फ्रेंड्स, सोयाबीन हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती है, तो इन्हें एक बार हफ्ते में जरूर खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के पराठे में मोमोज जैसा फ्लेवर आने वाला है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। जब कभी आपका खाना बनाने का मूड ना हो तो आप इन्हें बना सकते हो। तो ये बहुत ही मसालेदार बनके तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर सोयाबीन ने सारा जो तेल है वो सारा अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब हमें इसमें डालने हैं कुछ मसाले। तो हम इसमें डालने वाले हैं 1/2 चम्मच धनिया, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 2-3 चुटकी गरम मसाला। अगर आप चाहो तो इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो फ्लेवर। और यहाँ पर मैंने डाली है 2-3 चुटकी हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। अगर आपको चाट मसाला पसंद हो तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हो। तो इन्हें हमें मिला लेना है, और गैस को हमें स्लो करके ही रखना है, जब तक हम इन मसालों को भूनना है। और फ्रेंड्स, हमें मसालों को भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। और अब हम इसमें डालने वाले हैं मेथी, जिसे लिया मैंने 1 चम्मच। तो इसे हमें हल्का हल्का हाथों से क्रश कर देना है। तो फ्रेंड्स, मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हमें ऐड करना है इसमें 2 से 3 चुटकी कश्मीरी पाउडर, जिससे हमारा जो भरता है उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा।
तो फ्रेंड इसे भी हमें 1-2 मिनट के लिए मिक्स करके भून लेना है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा भरता का कलर कितना अच्छा निखर के आया है। तो चलिए इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए। तब तक हम अपना आटा गूंद लेते हैं। तो हमें आटा में नमक जरूर ऐड करना है, जिससे हमारे जो पराठे हैं उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा आटा गूंद के रेडी हो गया है। तो चलिए इसका एक हम डो जैसा बना लेते हैं। फ्रेंड्स हमें आटा को एकदम पूड़ियों जैसे लगाना है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम। तो चलिए इसका ही हम छोटी छोटी डो जैसी लोई बना लेते हैं। फ्रेंड्स एक बात जरूर याद रखें, जब भी आप पूड़ी या पराठा बनाएं तो हमें आटा को 15 मिनट पहले ही गूंद के रख देना है, जिससे जो हमारा आटा है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद हमारी जो पराठा है और पूड़ियां बहुत ही अच्छी फूली फूली बन के तैयार होती है। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की लोई बनाकर तैयार की है। आपको जैसा साइज पसंद हो आप उसी हिसाब से पराठों को बना सकते हो। तो यहाँ पर हमें थोड़ा आधी रोटी सी बना लेनी है। हम भरने वाले हैं 4 चम्मच सोयाबीन का भरता। आपको जैसा पसंद हो कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से इसमें भर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसे हम उंगली की मदद से, अंगूठे की मदद से चारों तरफ टैप टैप करके राउंड राउंड घुमा के इसको फोल्ड कर लेना है, ताकि हमारे पराठे में एक्स्ट्रा आटा ना रहे, जिससे हमारे जो पराठा है वो अच्छे नहीं बनते हैं। तो हमें अंगूठे की मदद से चारों तरफ सोयाबीन का भरता को फैला देना है, जिससे जो हमारी लोई बहुत अच्छी एकदम इक्वल बन के तैयार होगी। तो इस तरह से हमें फिंगर की मदद से भी टैप टैप जरूर करना है, जिससे जो हमारा पराठा है मोटा पतला नहीं बनेगा। चलिए हम इसे बेल लेते हैं एक बेलन की मदद से। तो हमें बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा हमें सख्त करके नहीं बेलना है, जिससे जो हमारा भरता है वो निकल भी सकता है। अगर आपको थोड़ा पराठा तिरछा लगे तो फिंगर की मदद से सही कर सकते हो, और इसे पलट पलट के दोनों तरफ बहुत ही पतली लेयर कर देनी है। जितना ज़्यादा पतला हमारा पराठा बनता है उतनी ही आसानी से वो अंदर तक सिक जाता है और कच्चा नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पर 4 पराठे बना के तैयार कर लिए। तो चलिए इसे हम एक एक करके शेक लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 कटोरी में सरसों का ऑयल, जिसको मैंने गरम कर लिया था। तो चलिए हम एक बार तवा को चेक कर लेते हैं वो गरम हुआ है या नहीं। तो हमें इस पर डाल देना है। जब भी आप पराठा बनाएं तो हमें तवा को जरूर चेक करना है। तो चलिए इसे हम पलट लेते हैं, और अब हमें लगाना है इसमें ऑयल, और हमें चारों तरफ धीरे धीरे हाथों से इक्वल इक्वल लगा देना है, ताकि वो पराठा है जो हमारा अच्छे से कवर हो जाए ऑयल से। तो अब आप देखने वाले हो एक मैजिक कि पराठा पलटते ही हमारा पराठा कैसे चुटकियों में फूल जाता है। तो ये नतीजा है फ्रेंड्स हमारे 15 मिनट पहले आटा को गूंदने का। तो आप देख सकते हो कि हमारा पराठा है कैसे फटाफट चुटकियों में बलून जैसा फूल गया है, जिससे जो हमारी लेयरें हैं वो खुल जाती है और हमारा पराठा अंदर तक अच्छे से सिक जाता है। तो हमें पराठे को हमेशा स्लो कर ही सेकना है, जिससे जो हमारा पराठा है बहुत ही अच्छा क्रंची बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें चारों तरफ प्रेस करके पराठा को सेक लेना है। जिधर भी आपको कच्चा लगे उधर जरूर आपको कचली चलाना है, जिससे जो हमारा पराठा बहुत ही अच्छा सुनहरा बन के तैयार होता है। तो उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स हमें पराठा को 1 मिनट बाद ही पलटना है, जिससे जो हमारा पराठा है टूटेगा नहीं। इसी तरह से हमें सारे पराठों को सेम तरह से सेक लेना है। तो उम्मीद है हमें आप
से कि आपको हमारे बताने का तरीका ज़रूर पसंद आया हो। तो अगर आपको हमारा बताने का तरीका पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये भी हमारा पराठा कितने आसानी से फूल गया है चुटकियों में। आप कब बना रहे हो घर पर सोयाबीन के पराठा, कमेंट करके जरूर बताएं। और इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, एकदम मोमो जैसे। तो इन्हें हम मॉर्निंग के नाश्ते में फटाफट बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको हमारे बताने का तरीका समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।